दिन के 1 बज गया है, फिर भी हम लोग का लाइन ख़त्म नहीं हो रहा है। पर अच्छी बात यह है कि हम मंदिर के पास आ गए हैं। देखो 8×4=12, 6 घंटे हम लाइन में रहे, लाइन रह के दर्शन कर पाए। बहुत अच्छा दर्शन, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। जय केदारनाथ बाबा की जय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अब हो गया है सुबह के 8 बज गया है और हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। देखते हैं कितना जल्दी हो पाएगा दर्शन। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा लंबा लाइन लगा हुआ है, तो चलो लगते हैं लाइन में और दिखाते हैं आपको कितना बड़ा लाइन है और क्या है। उसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे आसपास के एरिया। चलिए, यहाँ पे हम लोग लाइन में लग गए हैं और लाइन बहुत बड़ा लंबा लाइन है। बैक कैमरे से हम लोग का लाइन यहीं से शुरू होता है और ये है पूरा लंबा लाइन। देखिए पूरा उधर से होकर उधर पूरा घूम घाम के पूरा डायरेक्ट वो मंदिर, मतलब कि 2 किलोमीटर तक का लाइन है। 1 किलोमीटर तक का लाइन है, पूरा भीड़ भाड़ है। चलिए लाइन में लगते हैं और देखते हैं। और हम थोड़ा सुबह लेट कर दिए ना उठने में, नहीं तो अभी तक तो हम दर्शन करके पूरा रूम में रिटर्न हो चुके होते और मैं भी जाने की तैयारी भी कर चुके होते। थोड़ा लेट कर दिए इसलिए लाइन में है और वो बहुत बड़ा वाला लाइन। बोलो कुछ, बोलो कुछ तो बोलो। हम लेट क्यों किए उठने, सुबह उठने में क्यों लेट किए हम लोग? कल की थकान के वजह से बहुत थक गए थे ना हम कल। रिंकू इसलिए कल रात को भी हम लोग दर्शन नहीं किए। रिंकू का मूड खराब हो गया है क्योंकि वो सुबह 6 बजे से उठ के पूरा हम तीनों को गाली दिया। हम दोनों को बहुत बहुत सुनाए वो लोग, तो क्या करें, सुनाना तो पड़ता ही है। और यहाँ पे हम लोग को लाइन में लगते हुए 1.5 से 2 घंटा हो गया है। 7-12 बजे तक हम लोग का दर्शन हो जाएगा। और देखिए लाइन कितना बड़ा है मेरे पीछे तरफ, और जस्ट मेरे पीछे तरफ ही मंदिर है। देखिए ये पहाड़ पूरा, यस, तो बस यही है। और 200-300 मीटर तक लाइन लगा हुआ है, पहुंच जाएंगे जल्दी। वही तो सोच रहे हैं हम, सोच तो नहीं रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे हम। थोड़ा वेट करना पड़ रहा है और क्योंकि हम गलती कर दिए, जल्दी से उठना चाहिए था सुबह, हम सो गए क्योंकि कल रात को बहुत टायर्ड हो गए थे हम लोग, वही उसी के चलते हम थोड़ा लेट हो गए। चलो दिन के 1 बज गया है, फिर भी हम लोग का लाइन ख़त्म नहीं हो रहा है। पर अच्छी बात यह है कि हम मंदिर के पास आ गए हैं। देखो मेरे पीछे बाबा केदारनाथ का मंदिर है और मैं ये टीका लगवा लिया हूँ। अच्छा लग रहा है ना टीका? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, मुझे तो लग रहा है अच्छा। और ये है मंदिर, बहुत लंबा लाइन, सुबह 8 बजे से हम लाइन में थे, अब 1 हो गया है दोपहर के, फिर भी लाइन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और 1 घंटा लग जाएगा, दर्शन हो जाएगा 1 घंटे में। और चलो मैं मंदिर का एक सिनेमैटिक व्यू दिखा देता हूँ। और पीछे जाके आपको जो पत्थर था ना, बड़ा वाला पत्थर, वो पत्थर भी आपको दिखाऊंगा। पत्थर में भी लोग बहुत पूजा कर रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ से भी पूजा करेंगे, यहाँ पे भी पूजा करेंगे। चलिए ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा लंबा लाइन है, यहाँ से पूरा यहाँ। यह मंदिर पास जाके दिखाता हूँ आपको। और उठ चढ़ा और चलिए फिर दर्शन करके हम मिलते हैं और बताएंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था यहाँ तक आने में। हम लोग आज संबलपुर से हरिद्वार, हरिद्वार से
केदारनाथ पे वाले एक्सपीरियंस सब बताएंगे। हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव कुछ बोलो कुछ बोलो हर हर महादेव जय शिव शंकर। और क्या है और तो कुछ होगा ना बोलो। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय बाबा केदारनाथ। तो लोग क्यों नहीं बोल रहे हो तो सांस फूल रहा है। और हम लोग का ये लंबा लाइन है कोई भी हर हर महादेव नहीं बोल रहा है। हर हर महादेव मुंह बंद है से लोटप लगा लिया हो क्या या फेवी क्विक। मेरा हाथ दुख रहा है मोबाइल पकड़ पकड़ के। हर हर महादेव अब नहीं दुख रहा है अब हर हर महादेव। यही सब हो रहा है लाइन में लड़ने का फायदा यही है। मजा मस्ती बहुत है इसमें। और हम लोग मंदिर दर्शन करके आ गए हैं। सबसे बढ़िया हुआ दर्शन। मैं सोचा नहीं था कि ये सब दर्शन हो सकता है पर हाँ दर्शन तो एक नंबर हुआ। और फिर आएंगे ना नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे कि दर्शन इतना अच्छा हुआ ना क्या करें। पूरा मन का सुकून सुकून मिला जो बोलते हैं सुकून वही हो गया। और हाँ और दिखाएंगे आपको क्या और दिखाएंगे। अब तो देख ही चुके हैं मंदिर फिर भी दिखा देते हैं चारों तरफ कुछ होगा तो चलिए। और बताइए कैसा लगा दर्शन। बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन का वो मेरा सपना था मतलब सपना आज पूरा ही हुआ पूरा हो गया। दर्शन करने अच्छी लग रहा है। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ ना। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। कभी सोचे नहीं थे ना मतलब ऐसा दर्शन होगा बोल के। माइंड ब्लोइंग दर्शन कभी सोचा भी नहीं था ऐसा दर्शन हो पाएगा बोल के। इतना सारा आदमी इतना सारा लाइन लगा हुआ है। हम सुबह 8 बजे से लाइन लगे थे और दर्शन हो गया 2 बजे मतलब क्या 8-4-12 6 घंटे हम लाइन में रहे। लाइन रह के दर्शन कर पाए बहुत अच्छा दर्शन बहुत अच्छा दर्शन हुआ। जय केदारनाथ बाबा की जय। अरे हम मंदिर के पीछे की तरफ आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं भीमशिला जो कि बाढ़ के टाइम में यही पत्थर बचाया था मंदिर को। ये मंदिर का पीछे वाला साइड है। ये है भीमशिला। चलो देखिए ये मंदिर के पीछे तरफ का साइड है। ये पहाड़ से आपदा आई थी मतलब बाढ़ आई थी और ये आते आते ये भीमशिला ये पानी को रोक दिया था तो मंदिर बच गया था। है ये और ये था मेरा जर्नी। मेरा जर्नी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं और एक ऐसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और ये हम क्लाउड पे घिरे हुए हैं बोलो। क्लाउड में घिरे हुए हिंदी भूल जा रहा हूँ मैं। हाँ क्लाउड में हो कैसा लग रहा है। कैमरा मैन वाला लेके पूरा रेडी बोलो। पूरा रेडी अच्छा लग रहा है। कभी सोचे थे इतना क्लाउड के अंदर घुस के तुम फोटो शूट करोगे। नहीं वीडियो शूट करोगे। नहीं तो कैसा लग रहा है बोलो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। यही होता है यही होता है। ये देखो कैमरा लेके पूरा फोटो नेक्स्ट लेवल फोटो शूट कर रहा है। तो चलो चलते।